जो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज बेसिकली एक फिक्स नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, एक नोजल गिवन है, सॉरी एक नोजल गिवन है जो ये कर रहा है कि फ्लो को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। फ्लो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पास एक वाई डायरेक्शन में फ्लो एंटर हो रहा है, ठीक है, विद अ मास फ्लो रेट, सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो नोजल इज अटैच टू अ वर्टिकल पाइप, यहाँ पे एक पाइप है जिसके साथ ये नोजल जो है ना अटैच है, ठीक है। तो इस पाइप के साथ ये हमने इस नोजल को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिस्चार्ज इज वाटर इन टू द एटमोसफियर एज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो हमने वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसका फ्लो रेट हमें मालूम है कितना है, एंड द गेज प्रेशर एट द फ्लेंज इज 40 kPa, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो इन साइड ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली एटमोसफियरिक ज्यादातर नहीं होता है अनलेस कि वो ओपन टू द एटमोसफियर हो, ठीक है। ये क्लोज आपके पास पाइप है, तो इस क्लोज पाइप के अंदर जो वाटर का प्रेशर है एट द फ्लेंज, ठीक है, एट द फ्लेंज वाटर का प्रेशर है 40 kPa गेज, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर है जो आपको यहाँ पे गिवन है एट द फ्लेंज, ठीक है। डिटरमिन द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द एंकरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द नोजल इन प्लेस, ठीक है। हमें वो कॉम्पोनेंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने इस नोजल को फिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना होगा, ठीक है, एंकरिंग फोर्स का जो हमें चाहिए इस नोजल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इस नोजल को होल्ड करने के लिए जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो इसका हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और तो क्या वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड क्यों है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि अगर आपने यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इस नोजल को बोल्ड करना है, ठीक है ना, इसको बोल्ड करना है थ्रू सम बोल्ट्स बोल्ट्स एंड स्टड्स, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे, तो उन बोल्ट्स के अंदर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए वो जब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की प्रॉब्लम में करते हैं, ठीक है। आप फोर्स स्ट्रेंथ जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको फोर्स पता हो कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, वो फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे जो इस फ्लेंज के ऊपर आ रही होगी एज अ एंकरिंग फोर्स, ठीक है। और फिर जब हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में जाएंगे तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर वो फोर्स यूज करके हम स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट या साइज ऑफ द बोल्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स में काम है, हमारा काम सिर्फ यह है कि हम इस फोर्स को फाइंड आउट कर लें जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो फोर्सेस इस प्रॉब्लम के अंदर, पहले पहली चीज तो ये मैं सिंप्लीफिकेशन बताया तुम क्या क्या, ठीक है। पहला सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपके पास स्टडी फ्लो है, ठीक है। स्टडी फ्लो इसलिए क्योंकि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है, जो बुक से ली हुई है, तो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जिसको मैं रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया जिसकी हमने एनालिसिस करनी है, ठीक। अच्छा, अब पहली चीज ये कि इस कंट्रोल वॉल्यूम को हमने इस तरह सेलेक्ट किया कि जो नोजल है वो विद इन द पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, ताकि कोई भी चेंज हम यहाँ पे कंसिडर करना तो जो बिकॉज ऑफ द आउटसाइड है वो हम आउटसाइड फोर्सेस को कंसिडर कर सकें, ठीक है। सेकेंड, ये विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम यानी विद इन द हमारे पास जो डैश्ड एरिया है, डॉटेड एरिया है, ठीक है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, और प्रेशर को मैं इस तरह से कह देता 40 times t है, यानी कि फंक्शन ऑफ t है, ठीक है, तो फिर मैं कह सकता था कि ये प्रेशर क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये मेरा प्रॉब्लम अनस्टडी बन गया है, ठीक है। या फिर आगे मुझे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द नोजल इज 0.012 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है विद इन द नोजल, जो कम्प्लीटली फिल्ड नोजल का वॉल्यूम है, ठीक है, वो 0.012 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता था कि अगर इसको मैं ऐसे दे देता प्रॉब्लम को, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फिर ये अनस्टडी प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि इस बुक में हमारे पास ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टडी फ्लो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ना हो हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर जो मैक्सिमम हमारे पास कंडीशंस है वहां पे फ्लो स्टडी होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो स्टडी फोर्स हो गई,
स्टडी कंसिडरेशन हो गई, ठीक है। अच्छा फोर्सेस की बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि फोर्सेस दो टाइप की हो सकती हैं, एक बॉडी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, और एक सरफेस फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। अब बॉडी फोर्स में हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवेन है, एक तो नोजल का वेट गिवेन है 200 न्यूटन, ठीक है। नोजल का वेट मतलब जो इसके सॉलिड पार्ट का वेट है, ठीक है, ये जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, ये इसका वेट है 200 न्यूटन, ठीक है। वाइल वॉल्यूम ऑफ द वाटर नोजल हमें गिवेन है, वाटर ऑफ द नोजल गिवेन है, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर वाटर मौजूद है, फिल्ड वॉल्यूम, ठीक है, इस वाटर का वॉल्यूम मुझे पता है कितना है। जब मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ, ठीक है। वेट निकालने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास मास आ जाएगा, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे वाटर की डेंसिटी पता होती है, वाटर की डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा, फिर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा इसका जो है वेट कैलकुलेट करना। तो जो बॉडी फोर्सेज जो हो गई हमारे पास, उसमें वेट ऑफ द नोजल हो गया, ठीक है, और आपके पास वेट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। अच्छा सेकेंड हमें इंफॉर्मेशन गिवेन है प्रेशर्स की, ठीक है। तो एक प्रेशर जो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लैंज पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो हमें गिवेन है कि वो 40 किलो पास्कल है, ठीक है। अच्छा सेकेंड, ये क्योंकि जेट ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे जो आपके पास सेकेंड प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, उसको मैंने P2 कर लिया। ऑब्वियसली वो P2 जीरो हो जाएगा क्योंकि गेज प्रेशर, दोनों जगह पे गेज प्रेशर ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमने गेज प्रेशर लिया और वहाँ पे भी गेज प्रेशर लिया, ठीक है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ जनरलाइज करने के लिए प्रॉब्लम को मैं इसको अभी जीरो नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई और प्रेशर भी गिवन हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने सिंपली P2, अरे प्रेशर वाली बात फिर से बताइएगा। ओके, सरफेस फोर्सेस में हमारे पास पहली दो तरह की सरफेस फोर्सेस हो सकती है, ठीक है, सॉरी थ्री टाइप्स, ठीक है। एक तो आपके पास प्रेशर की, ठीक है, एक आपके पास विस्कस फोर्सेस, ठीक है, और एक आपके पास जो किसी किस्म की भी होल्डिंग फोर्सेस या एंकरिंग फोर्सेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ, ठीक है। तो पहले मैंने प्रेशर फोर्स देख रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास जो नीचे फ्लैंज है, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है 40 किलो पास्कल का, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस अप्लाई होता है और इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, यानी कि आप इसको एज अ कंप्रेसिव फोर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 40 किलो पास्कल का प्रेशर एक अप्लाई हो रहा है ऑन योर वॉल्यूम की जो इनसाइड फ्लैंज वाली साइड है, ठीक है। फिर ये नोजल जो है कुछ इस तरह से शेप में चेंज हो रही है, ठीक है, ये आपके नोजल की शेप है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट पे हमारे पास क्या है, एटमोसफियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रेशर इसके आउटलेट पे अप्लाई हो रहा होगा, ये बेसिकली एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें फोर्स पता चल जाए, ठीक है। तो PATM टाइम्स एरिया जो आपके पास फोर्स आ रही है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये जो हमें प्रेशर गिवन था यहाँ पे P1, ठीक है, दिस इज बेसिकली गेज प्रेशर, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, गेज प्रेशर, ठीक है। तो जब एग्जिट पे मैं करूँगा तो एग्जिट पे भी हमारे पास गेज प्रेशर ही आएगा, ठीक है, ताकि दोनों को हम बैलेंस कर सकें, एटमोस्फेरिक को माइनस एटमोस्फेरिक को कैंसिल कर सकें, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम करवाएं जहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जब भी आपके पास गेज प्रेशर ले रहे हैं और एटमोस्फेरिक ले रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रेशर बेसिकली जीरो हो जाता है क्योंकि एटमोसफियर माइनस एटमोसफियर जो है वो ऑटोमेटिकली गेज प्रेशर जीरो कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो P2 है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इस जो डायग्राम में P2 को यहाँ पे शो जरूर किया हुआ लेकिन जीरो नहीं किया हुआ, ठीक है, ताकि अगर मैं आपको ऐसा प्रॉब्लम दे दूँ कि P2 लेट सपोज 10 किलो पास्कल है, ठीक है, स्पेसिफाई कर दूं स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना दूं, ठीक है, 10 किलो पास्कल कर दूं, तो जब भी आप ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर तो चेंज करना मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। तो पहले हम जनरलाइज रख रहे हैं इक्वेशन, बाद में इसको जीरो कर देंगे, ठीक है, ताकि हम कोई भी नंबर यूज कर सके P2 की जगह, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास विस्कोसिटी फोर्सेस, अच्छा विस्कोसिटी फोर्सेस को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे शेयर फोर्सेस को, ठीक है, तो ये बेसिकली एक नॉन विस्कस प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई भी शेयर फोर्सेस गिवन होंगी तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि F विस्कस जो है वो 10 किलो न्यूटन की है, ठीक है,
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नोजल, ठीक है। तो कोई भी अगर मैं डायरेक्शन बता दूं कि जैसे कि इस डायरेक्शन में, तो वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो समेशन हमें देखने होगा कितना आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम विस्कस फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में कोई भी विस्कोसिटी से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो विस्कस फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें विस्कोसिटी को हमने कंसिडर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हम आप लोगों को यहाँ पे करवा रहे हैं वो स्टेडी प्लस इनविसिड है। जी बोलो बेटा मोहिन। सर इसमें तो मतलब मेंशन भी नहीं हुआ सर कि इनविसिड फ्लो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन इनविसिड नहीं हुआ हुआ, लेकिन मुझे विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना। विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें मुझे पहले शेयर स्ट्रेस पता होनी चाहिए, ठीक है। शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें वेलोसिटी का ग्रेडियंट या वेलोसिटी की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, ठीक है। शुरू में हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में याद है हमने जब भी वेलोसिटी को शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट किया था, तो हमें वेलोसिटी ये रिलेशन याद है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी प्रोफाइल पता होनी चाहिए थी, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल पता होगी जब भी मैं शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड कितना हो जाएगा अगर मैं शेयर स्ट्रेस भी इंक्लूड करूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ना हर पॉइंट पे, ठीक है। तो जो शेयर स्ट्रेस है उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको टोटल शेयर फोर्स मालूम करने के लिए हर पॉइंट पे आपने सम करनी होगी, टोटल शेयर फोर्स कितनी आ रही है उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। और क्योंकि हम डायरेक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना एक्स और वाई में रिजोल्व करके, तो फिर मुझे हर पॉइंट पे पहले इसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालूंगा, फिर वाई कॉम्पोनेंट निकालूंगा, इस पॉइंट पे भी इसका एक्स निकालूंगा वाई निकालूंगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम शेयर फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देयरफॉर फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हमने अभी शेयर फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। शेयर फोर्सेज आके आपके जब पाइप फ्लो के प्रॉब्लम करेंगे वहां पर जाके फिर हम स्टार्ट करेंगे उनको इंक्लूड करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम चीजें कर रहे होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर रीजन होती है, ठीक है। क्योंकि आपका अंडरग्रेड का कोर्स है, तो इसमें अगर हम शेयर फोर्सेस को बकायदा हर पॉइंट पे इसका कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए शेयर फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। लास्ट थी हमारे पास एंकरिंग फोर्सेस, ठीक है। तो दो एंकरिंग फोर्सेस हो सकती हैं, आइदर इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और आइदर इन दी हमने यहाँ पे एक्स एंड जी जो है वो आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्स एंड जी हमने जो है ना दो एक्सिस कंसिडर किए हुए, तो एक फोर्स हो गई एफ एक्स, एक हो गई एफ जेड, ठीक है। ये दो हमारे पास एंकरिंग फोर्सेस हैं जो हमें मिल रही होंगी, ठीक है। तो वन बाय वन इनको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन चलो यहीं पर बता देता हूँ, अगर जहाँ पे मुश्किल हो मुझे बता देना, फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर जो है ना शिफ्ट करके वहाँ पर समझा दूँ, ठीक है। तो पहली जो हम इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अपनी लीनियर मोमेंटम इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ड्राइव की थी, ठीक है, इस लीनियर मोमेंटम इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास पहली जो पॉइंट है वो ये है कि स्टेडी स्टेट फ्लो है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि स्टेडी स्टेट होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये टर्म जीरो हो जाएगी फॉर स्टेडी स्टेट। तो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। देयरफॉर मैंने इसको प्रॉब्लम को स्टेडी स्टेट के लिए जीरो कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास लेफ्ट और राइट पे दो टर्म्स आ गई, ठीक है, दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ द फोर्सेस and this is basically summation of the linear momentum, rate of linear momentum जो outlet पे है और जो summation of the linear momentum है वो inlet पे है, ठीक है। summation यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही inlet है, ठीक है, और एक ही outlet है, ठीक है, only one inlet और one outlet है। तो हमें सिर्फ सिंपल इतना write करना है कि जो आपके पास outlet और inlet है उस पर एक एक number आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मैंने पहले इसको एक एक डायरेक्शन के लिए राइट करूंगा, अभी हम सिर्फ इसको जेड डायरेक्शन पॉजिटिव, ये जेड डायरेक्शन पॉजिटिव, ये जेड डायरेक्शन एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी मैं इसको नॉर्मल डायरेक्शन के लिए राइट कर रहा हूँ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए राइट कर रहा हूँ, ठीक है। जो वेलोसिटी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में इस तरह से राइट कर लेते हैं, ठीक है। जो x के साथ लाइन होता है उसको u कहते हैं, जो y के साथ लाइन होता है उसको v, जो w के साथ है u w, ठीक है। तो यहाँ पे जो w कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो आ जाएगा जब ये वेलोसिटी को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। जब वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा हूँ तो z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप नोटिस करें
कि मैंने डायरेक्टली जो है ना इस इंटीग्रेशन में जब कंट्रोल सर्फेसिस पे लिखा है तो जो टर्म्स आउटलेट की हैं उनको मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव साइन दे दिए, ठीक है, और जो टर्म इनलेट की हैं उनको मैंने नेगेटिव साइन दे दिए, ठीक है। तो अब आपने जब साइन को चेक करना होगा सिर्फ और सिर्फ आपने वी आउट और वी इन की साइन को चेंज कर चेक करना होगा, आपने मास फ्लो रेट को यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके अंदर ये मेंशन कर दिया कि जो आउटलेट वाला है पॉजिटिव है, जो इनलेट वाला है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो साइन चेंज चेक करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की चेक करनी होगी, ठीक है। बाकी मास फ्लो रेट की साइन को यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है, जो आउटलेट वाली है वो पॉजिटिव है और जो इनलेट वाली है वो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा फोर्सेस को देख लेते हैं, ठीक है। अब फोर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल प्ले करेंगी, ठीक है। तो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो बॉडी फोर्सेस, ठीक है। तो बॉडी फोर्सेस वेट ऑफ द नोजल, ठीक है, तो वेट ऑफ द नोजल आ जाएगा। जी बेटा बोलो, सुन लो वही सर, ये आपने कॉस कॉस नहीं लगाना था इधर, वो डब्ल्यू डब्ल्यू और एन का साइन के लिए कॉस क्यों लगेगा बेटा? 30 डिग्रीज का एंगल है ना सर? हाँ ना, तो अभी निकालूंगा ना उसको, वेलोसिटी को कंसिडर करूंगा। अभी मैंने सिर्फ ये कंसिडर किया कि वेलोसिटी का, ये जब मैंने डब्ल्यू आउट लिखा है तो मैंने लिखा है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो तो मैं अभी जो मुझे टोटल वेलोसिटी, मुझे मैग्नीट्यूड पता है ना, ठीक है, उसका मैं कॉस लेके जो भी एंगल होगा मैं उसको वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ओके थोड़ा सा होल्ड करो, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम जब पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ हो जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगी, अगर नहीं हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉडी फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। बॉडी फोर्सेस में हमारे पास वेट ऑफ द नोजल है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास वेट ऑफ द वाटर है, ठीक है, तो वेट ऑफ द वाटर आ जाएगा। अच्छा साइंस आप देख लो, मैं हमेशा जो है ना वो जो एक्सिस है उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है तो मैंने नेगेटिव साइन उसको कंसिडर किया, ठीक है, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये दो फोर्सेज हो गई। थर्ड फोर्स हमारे पास एंकरिंग फोर्स है, ठीक है। तो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिल्कुल जो है ना डायरेक्शन में चलता हूँ, पहले बॉडी फोर्सेस, फिर सरफेस फोर्सेस और फिर जो है ना एंकरिंग फोर्सेस लूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बॉडी फोर्सेस देख ली, अब सरफेस फोर्सेस देखते हैं। सरफेस फोर्सेस पहले प्रेशर की आ गई, ठीक है, तो प्रेशर, ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर और इसका कॉम्पोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, वर्टिकल यानी कि जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जो एग्जिट के ऊपर है, ठीक है, एग्जिट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। तो नॉर्मल टू द सरफेस हमारे पास है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इसको रिजॉल्व करना होगा प्रेशर को, जो हमारे पास P2A2 प्रेशर है, ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे थीटा के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास P2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन नीचे होगी इसकी और इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आप डायरेक्शन वेक्टर देख ले, ठीक है, ये माइनस आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे माइनस ले लूँ, ठीक है, और क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। नाउ सर जी, ये माइनस का साइन है, ये वेट ऑफ नोजल माइनस वेट ऑफ वाटर या इक्वल्स टू है, कहाँ पे बेटा, प्लीज मुझे इसका स्वाइप कर, ये अच्छा जो आपने भी सही है, नेगेटिव माइनस माइनस सही है। अच्छा माइनस P2A2 साइन थीटा हो गया। प्रेशर फोर्सेस यानी सरफेस फोर्सेस भी होंगे, हमारे पास विस्कस फोर्सेस कोई भी नहीं है। लास्ट हमारे पास आ गई एंकरिंग फोर्सेस, ठीक है। तो एंकरिंग फोर्स जो यानी कि जो होल्डिंग फोर्स है वो आपके पास जेड डायरेक्शन में FAZ, ठीक है, मैंने इसको लिया, ठीक है, ये आ गई। अब आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे मास फ्लो रेट आउट, एम डॉट आउट ले लेते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी आउट कितनी है हमारे पास, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो है वो फ्लो रेट गिवन है, ठीक है। तो फ्लो रेट से मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ द नोजल गिवन है, ठीक है, ये 0.02 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहे तो मैं राइट कर सकता हूँ, बेहतर है कि मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर कर दूँ ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? ये कंटिन्यू रखें सर, कंटिन्यू रखें, ठीक है, फ्लो में ना सर, इसलिए सही। अगर किसी को नमाज पढ़ने जाना है तो पढ़ के आ सकता है, मुझे बाद में बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा जो चीज रहेगी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो आपके पास हमने फ्लो रेट मालूम कर गिवन है, ठीक है, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, जो नोजल है, ठीक है, नोजल को हमने इस तरह से शेप है, ठीक है, तो आपके पास नीचे जो एरिया है वो 0.02 है, यहाँ पे जो एरिया है 0.01 है, ठीक है, तो हम सिंपल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वी टू की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी वी टू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्यू ओवर एरिया टू हो जाएगी, ठीक है, तो क्यू हमारे पास है 0.01, एरिया जो इसका 0.01 है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, मैं जस्ट एक चीज वेरीफाई कर लूँ, यहाँ पे एरिया 0.01 था ना, ठीक है, अच्छा, सेकेंड वेलोसिटी वी वन निकालनी होगी तो वो भी आ जाएगी क्यू ओवर एरिया वन, ठीक है, विच इज 0.01 ओवर 0.02, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो है 0.02 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 हो जाएगी शायद, ठीक है, और ये हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, नाउ अब क्योंकि मुझे वेलोसिटी v2 पता चल गई है, ठीक है, वेलोसिटी v2 मुझे मालूम हो गई है, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि हम 30 डिग्री पे जब हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, v2 का, तो इसको हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, cos 30 सॉरी थीटा 30 पे, तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा और सॉरी sin थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा v2 cos थीटा, ठीक है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है इसको हम स्मॉल w कह लेंगे, और ये जो कॉम्पोनेंट है ये u के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये u कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा और ये w कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा, विच इज इन द x एंड z डायरेक्शंस जो हमने कंसीडर किए, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो हमारे पास मास फ्लो रेट होगा उसमें मैं अभी सिर्फ w आउट लिख लेता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर लिया कि वो कैसे निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ आउट, ठीक है, और ये वाला जो है वो, अच्छा एक बात आप नोटिस करें कि यहाँ पे जो इन है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। अच्छा, मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट, क्योंकि हमने इससे पहले जो टॉपिक स्टडी किया है, ठीक है, उस टॉपिक पे हमने ये देखा है कि जब भी कोई स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आपके पास एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत ईजी हम राइट कर सकते हैं कि मास आउट जो होगा वो मास इन के बराबर होगा, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाके एक दफा कंजर्वेशन ऑफ मास को दोबारा से स्टडी रिवाइज करना होगा, ठीक है, अदरवाइज ये चीज हम उसमें भी कर चुके हैं कई दफा आपकी बर्नौली इक्वेशन में, ठीक है, अगर एक सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट है, ठीक है, तो जो भी आपके पास और स्टडी फ्लो है, ठीक है, शर्त क्या है आपके पास? स्टडी फ्लो होना चाहिए, ठीक, अगर स्टडी फ्लो है तो सेम जो मास आउट पे है वही सेम मास इनलेट पे होगा, ठीक है, यू कैन सी के यहाँ जो मास है उसके पास कोई और दूसरी जगह नहीं है जाने को, ठीक है, एक ही आपके पास पाथ अवेलेबल है जिस पे वो फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आउट और इन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा सिंपल इनटू मास फ्लो रेट, और जो वेलोसिटीज है वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन शो करता हूँ ताकि आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो वापस सिखा दे, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगी, ठीक है, उसके अंदर भी सिर्फ हमने फोर्सेस को देखना है कि वो कौन सी चेंज हो रही है, ठीक है, एक्स में अगर आप नोटिस करें ये वाली फोर्स का कोई एक्स में कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है, तो ये प्रेशर की फोर्स एक्स में नहीं है, ठीक है, ये जो प्रेशर है पी टू, ठीक है, इसका एक्स में कॉम्पोनेंट आएगा विच इज पी ए टू कॉस थीटा, ठीक है, और डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जब इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी जो ये वाली होगी कॉस थीटा वाली जो होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है, जबकि साइन थीटा वाली भी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जो आपका वेक्टर बन रहा है वो डाउनवर्ड इस तरह से रिजॉल्व होगा, ठीक है, तो ये आपके पास cos थीटा आ गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एंकरिंग फोर्स मैंने भी कंसीडर किए कि वो fx जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, और लास्ट में जो आपके पास m डॉट आउट u आउट आ जाएगा, u का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो x डायरेक्शन में होगा, ठीक है, x डायरेक्शन में यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये चीज जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, इन पे कोई कॉम्पोनेंट नहीं है तो इन वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, और आउट पे जो है वो जाहिर बात है इसका जो वेलोसिटी का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट होगा
वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम मतलब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, तो मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाया था। ठीक है, सबसे पहले तो हम फ्लो रेट मुझे मालूम है। ठीक है, तो मुझे मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये मास फ्लो रेट निकालना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो डेंसिटी टाइम्स फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास ये मास फ्लो रेट आ जाएगा। और अगर मुझे वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है तो सिंपल मैं क्यू ओवर एरिया कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है ना। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के अंदर वाटर इन्वॉल्व है, तो हम सिंपल ये कर सकते हैं क्यू ओवर एरिया आउट, क्यू ओवर एरिया इन, हमारे पास दोनों वेलोसिटीज आ गए। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे वाटर का वॉल्यूम गिवन था। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसकी डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो ये मास आ जाएगा। ठीक है, वाटर का वॉल्यूम था हमारे पास 0.012। ठीक है, तो 0.012 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया था 1000 से। ठीक है, तो ये मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वंस आपके पास मास आ जाएगा तो मैं इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 9.18 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ऑब्वियसली इसकी वेट आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, वेट ऑफ द वाटर आ गया। अब सिर्फ सब्सटीट्यूशन का काम रह गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास जो एग्जिट पे जो प्रेशर था वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पे P2 जो है वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम जीरो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमने सॉल्व एज अ जनरलाइज प्रॉब्लम किया था, तो ये प्रॉब्लम इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है जहाँ पे हमें P2 की कोई नंबर गिवन हो, तो हम उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई, वहाँ पे आप प्रेशर को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड मुझे जो है वो एंकरिंग फोर्स करनी है। तो एंकरिंग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले उसको एक साइड पे रहने दिया, लेफ्ट साइड पे, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम राइट साइड पे। V आउट की जगह साथ साइन 30 क्यों आया और V इन के साथ क्यों नहीं आया? V आउट के साथ साइन 30 क्यों आया, V इन के साथ क्यों नहीं आया? सही, आपके अगर आप नोटिस करो यहाँ पे जो फ्लो है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये V इन है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन वी आउट ही है। ठीक है, जब हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वी आउट जो होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वी आउट उसका एंगल है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, वी आउट साइन 30 हो जाएगा और ये वाला वी आउट जो है वो कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल यू यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, 2-2 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, या आउट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि आउट फैक्टर। ठीक है, अब सही हो गया। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये इसकी जगह आई है वी आउट की। ठीक है, नाउ जो आपके पास इन था, ठीक है, इन में अगर आप नोटिस करो, इन तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही है। ठीक है, इसका तो कोई कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट बी इन ले लिया। ठीक है, जो आपके पास मैग्नीट्यूड इसका है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम इसको सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे, मास फ्लो रेट सब चीज़ हमें गिवेन है। ठीक है, मास फ्लो रेट 100 किलोग्राम पर सेकेंड है। ठीक है, वी आउट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड था, एंगल मौजूद है, प्रेशर 40 किलो पास्कल है। ठीक है, तो 40 के साथ 10^3 आएगा। ठीक है, एरिया A1 जो था वो हमारे पास है 0.02। ठीक, वेट ऑफ द नोजल प्रॉब्लम में गिवन था वो, ठीक है, 200 न्यूटन प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, वेट ऑफ द नोजल। ठीक है, और जो आपके पास वेट ऑफ द वाटर था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, विच इज 117.72 न्यूटन। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो वी एंड अप विद एंकरिंग फोर्स, ठीक है, विच इज 482.28 न्यूटन की हमारे पास फोर्स आ रही है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव साइन हमें क्या बता रही है, नेगेटिव साइन बता रही है कि जो हमने एंकरिंग फोर्स, अच्छा आप ये काम कर सकते हैं, आप जब भी एंकरिंग फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ना वो अज्यूम कर लो। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लो, अगर वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए, ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो वो सिंपली ये शो कर रहा होगा कि आपकी जो इनिशियल अजम्पशन थी
वो रॉन्ग थी, जो एक्चुअल फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपने इनिशियल अजम्पशन की थी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो आप अगर हमेशा पॉजिटिव लिख रख के चलोगे तो यू डोंट नीड एनी मतलब यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज के जो है वो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करो, अगर उसकी साइन पॉजिटिव ही रहेगी तो इसका मतलब है कि आपकी अजम्पशन ठीक थी, अगर साइन चेंज हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी अजम्पशन ठीक नहीं थी, उसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम एक्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स में भी आपके पास यू आई टर्म ऑब्वियसली गेज प्रेशर की जीरो हो गई है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, सिर्फ फोर्सेस का फसला रह गया। तो ये वाली जो फोर्स है आपको पता है कि इनलेट पे कोई भी फ्लो ऐसा नहीं है जो एक्स डायरेक्शन में लाइन हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी फ्लो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इस डायरेक्शन में लाइन, ठीक है। और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, वी आउट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम सिंपली टेन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा के एंकरिंग फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी साइन पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास बन रही थी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है। तो जो आपके पास एफ ए एक्स है, ठीक है, और एफ ए जेड है, अगर आपसे कोई पूछे कि नेट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का फोर्स निकालना है तो कैसे तो निकाल सकते हो आप, बहुत ईजी है आपके लिए निकालना, ठीक है, आप इन दोनों का सम ले सकते हो, सॉरी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आ जाएगी आपके पास जो ऑब्वियसली उसका वेक्टर कहीं इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोर्सेस कैलकुलेट करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब हम कंसिडर करेंगे फॉर अ मूविंग सिस्टम, मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो आइडिया थोड़ा सा यही आइडिया हम आगे जो है ना वो मूव करेंगे, जो हमने अभी फोर्सेस का कैलकुलेट करने का निकाला है, लेकिन उस कंडीशन में हमारे पास जो मूविंग वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने लास्ट क्लासेस में प्रॉब्लम किए थे वहाँ पे हमने क्या निकाला था, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्लूड करना होगा फॉर द केस ऑफ मूविंग कंट्रोल, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, उसमें क्या है, हमारे पास एक पेल्टन व्हील टर्बाइन है, ठीक है। अब पेल्टन व्हील वेन डायरेक्ट्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जेट है, ठीक है, जो इस वेन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वेन इज लाइक अ ब्लेड, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले स्लाइड्स में दिखाया था, ठीक है। Symmetrically as indicated in the given figure, ठीक है, तो जो भी आपके पास फ्लो यहाँ पे जेट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, वो इसके साथ एक फोर्स इस ब्लेड के ऊपर इंड्यूस करेगा और फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो फ्लो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये तमाम साइड से हो रहा होगा। तो अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये आपको एक एज अ सर्कुलर जो है वो ऑब्जेक्ट बाहर आती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये एक आपके पास जेट है जिसके ऊपर एक फोर्स इंड्यूस कर रहा है और साथ साथ उसकी वजह से कि ब्लेड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, द जेट लीव्स द नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 फीट पर सेकंड, ठीक है। तो इसके पीछे ऑब्वियसली एक नोजल होगी, ठीक है, इस नोजल से फ्लो 100 मीटर पर सेकंड पे इंड्यूस हो रहा है इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो इस पूरे वॉल्यूम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो इस तरह से एक इस सरफेस के अराउंड मैं वॉल्यूम कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम जहाँ पे आपके पास एक वेन मौजूद है, ठीक है, एक ब्लेड मौजूद है, ठीक है, और हमने ये कंसिडर किया कि जो ब्लेड के अराउंड हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस कंट्रोल वॉल्यूम को हम पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक इनलेट मौजूद है, ठीक है, और ये दो ये आपके पास आउटलेट्स हैं, जो इनलेट है, ठीक है, वहाँ पे जो वेलोसिटी इन हो रही है, ठीक है, वो फ्रॉम अ नोजल है, ठीक है, जो नोजल से वेलोसिटी इन हो रही है वो आपके पास है 100 फीट पर सेकंड, ठीक है। अच्छा,
डिटरमिन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द एंकरिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द वेन स्टेशनरी, ठीक है, कन्फाइन द स्पीड ऑफ वेन टू वैल्यू ऑफ 10 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहला केस ऐसा है जहाँ पे हमें एक एंकरिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो इस ब्लेड को स्टेशनरी रखे, यानी कि इसको मूव ना होने दे, ठीक है। सबसे पहला केस वो देखना है कि जहाँ पे इस कंट्रोल वॉल्यूम की स्पीड जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो कितनी फोर्स लगानी होगी कि जो जो जेट की फोर्स है, ठीक है, और उसकी ऑपोजिट हमें एक फोर्स एक्ट करनी होगी ताकि हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है, यानी कि जो आपके पास ब्लेड है, ठीक है, वो मूव ना करे, ठीक है। यहाँ पे उसको वेन का नाम दिया गया, ठीक है, तो वेन और ब्लेड सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा, देन सेकंड केस में हमने क्या करना है, कन्फाइन द स्पीड ऑफ द वेन टू अ वैल्यू ऑफ 10 फीट पर सेकेंड टू द राइट, ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या 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 कहा है कि इतनी फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, जो ये आपके पास ब्लेड है, ठीक है, ये 10 फीट पर सेकेंड से जो है वो आगे मूव करता रहे, ठीक है, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स हमें 10 फीट पर सेकेंड के रिस्पेक्ट से मिलती रहे। द फ्लूइड स्पीड मैग्नीट्यूड रिमेंस कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द वेन सर्फेस, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है यहाँ पे कि जो फ्लूइड की स्पीड है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, रिमेंस कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द वेन सर्फेस, ठीक है, यानी कि जिस स्पीड से फ्लो एंटर हो रहा है, ठीक है, उसी से आउट हो रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। तो जो आपके पास, क्योंकि ये बकेट इतनी स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस जनरेट नहीं हो रहे, कोई और लॉसेस जनरेट नहीं हो रहे, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, वो जिस वेलोसिटी से फ्लो एंटर हो रहा है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से फ्लो जो है वो आउट भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने मेन कंसिडरेशन हमारी ये है कि सिर्फ यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होगी, फ्लो की वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वॉल्यूम्स होंगे, कंट्रोल वॉल्यूम्स, ठीक है। एक में हमने कंसिडर ये करना है कि जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, जबकि दूसरे वाले में कंट्रोल वॉल्यूम आपके पास 10 फीट पर सेकंड से मूव कर रहा है, यानी कि जो ब्लेड है, ठीक है, वो 10 फीट पर सेकंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी राइट, ठीक है। तो इस केस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लो की स्पीड 100 फीट पर सेकेंड है, जबकि वेन की स्पीड 10 फीट पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जबकि इस केस में क्योंकि वेन स्टेशनरी रहेगी, ठीक है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है हम उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी यूज करेंगे जब हमारे पास कोई मूविंग जो है वो सरफेसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, स्टार्ट अगेन हम अपने बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की इक्वेशन है, ठीक है, अगेन स्टडी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी टाइम के साथ वेरिएबल जब तक मौजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग के विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है वो एज अ स्टेशनरी सिस्टम बिहेव कर रहा है, ठीक है, सॉरी स्टडी सिस्टम बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो दिस टर्म गोज अवे, ठीक है, दो इक्वेशंस राइट करेंगे, एक हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स होगी। हमें सिर्फ अभी कैलकुलेट करनी है कौन सी जो हमारे पास इसको होल्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ऑफ द एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ द एंकरिंग फोर्स, ठीक है। हमें सिर्फ एक्स को कैलकुलेट करना है, तो हम सिर्फ एक्स को एक्स की डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एम डॉट आई वी आई आउट जो है वो हमारे पास इसके लिए आ जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा, जो आउट वाले होंगे उनको आउट पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, जो इन वाली टर्म्स हैं उनको हम हमेशा मास फ्लो रेट की नेगेटिव कंसिडर करेंगे। फिर हम वेलोसिटी की देख लेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ रही है, उसके रिस्पेक्ट से हम इन और आउट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन स्टेशनरी वैन्स के लिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन राइट करना, ठीक है। स्टेशनरी वैन ये वाली है हमारे पास, ठीक है, इस केस में, ठीक है, स्टेशनरी वैन जो है हमारे पास ये वाली है। सबसे पहले जो फोर्सेस हैं प्रेशर फोर्सेस, ठीक है, यानी कि सरफेस फोर्सेस प्लस बॉडी फोर्सेस और प्लस एंकरिंग फोर्सेस, ठीक है। तो पहले प्रेशर फोर्स राइट करते हैं, प्रेशर फोर्स इस जेट के ऊपर जो यहाँ पे एंटर हो जाएगा जेट, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स है, ठीक है, वो आपके पास P1 A1 है, ठीक है, सरफेस इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन
फ्लो का ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी बन, सॉरी प्रेशर का कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, वो पी वन ए वन बनेगा, ठीक है। हमने इसको एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये जेट जो है वो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो हमने कंसिडर किया है कि ये दोनों चीजें गेज प्रेशर इसके बाहर भी और अंदर भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हम प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ओपन टू टू एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जबकि ये जो जेट एग्जिट हो रहा है वो भी ओपन टू टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसको आप प्लीज एक दफा दोबारा से ना ये वाली फिगर देख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली ये चीज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोजल से फ्लो आ रहा है अब वो एटमॉस्फेयर में आ गया, तो ये इतनी चीज है जो हम इस बकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बकेट सॉल्व हो रही है इतना पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, वो एज अ एटमॉस्फेयर में इन और आउट हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम सिंपल कर सकते हैं कि आपके पास पी वन ए वन आ जाएगा, अगर पी वन की कोई वैल्यू होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जिट के ऊपर, एग्जिट के ऊपर आप नोटिस करें, एग्जिट के ऊपर आप नोटिस करें कि यहाँ पे आपके पास जो सरफेस है, ठीक है, वो 45 डिग्री अलाइंड है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, ये 45 डिग्री पे जेट अलाइंड है, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जिट्स है हमारे पास बेटा, ये दो एग्जिट्स नहीं है, बेसिकली ये एक सर्कुलर सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो ये एक पूरा सर्कमफेरेंस है जिससे आउट हो रहा होगा फ्लो, ठीक है, ओके। मतलब आपको 2D में ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन ये 3D में ना, अगर मैं अभी जैसे कि मैंने अभी डायग्राम शो की थी इसकी वाली, ठीक है, 3D में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये पूरा एक इस तरह का, सर समझ गया, जैसे ड्रॉप गिर के एक, हाँ बिल्कुल, हाफ ड्रॉप की टाइप का, ठीक है, तो ये बिल्कुल 3D में इस तरह के स्फेरिकल शेप बन रहा होगा, ठीक है। इस वजह से कि आपको 2D में वहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये है 3D वॉल्यूम। ओके सर। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इक्वेशन जहाँ पे हम राइट कर रहे थे। तो P2 जो है हमारे पास, ठीक है, अब P2 अगेन मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये एग्जिट समझ लो इस तरह से, ये इनलेट, ठीक है, दिस इज P1 एरिया, और यहाँ से जो एग्जिट से प्रेशर अप्लाई होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो P2 जो होगा 45 डिग्री पे, फिर हम उसका कॉम्प्रेस निकाल लेंगे थीटा के ऊपर, ठीक है। तो जो P2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से जो sin थीटा आएगा वो भी नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। एंकरिंग फोर्स FAX, ठीक है, मैंने डायरेक्शन पॉजिटिव रखी है, ऑल्टो के फिगर के अंदर हमने इसको नेगेटिव दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने पॉजिटिव रखी है ताकि अगर नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली खुद ही मुझे मेरे रिजल्ट से पता चल जाएगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव रखूँ वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मेरे रिजल्ट से मुझे पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ठीक है। एम डॉट आउट यू आउट, ठीक है, अच्छा ये जो टर्म आ रही है वो किस वजह से आ रही है, मास फ्लो रेट और वेलोसिटी का आउट कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, आउट जो वेलोसिटी हो रही है, ठीक है, वो वेलोसिटी आउट हो रही है 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वेन की डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि अगर 100 फीट पर सेकंड से एंटर हुआ है तो फ्लूइड 100 फीट पर सेकंड से ही आउट हो रहा होगा, ठीक है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। सो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन का वैक्टर है उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास फ्लो रेट है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जितना मास इन हुआ है उतना ही आउट होगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी एम डॉट, ठीक है, एम डॉट आउट बराबर हो जाएगा एम डॉट इन के, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम डॉट यू आउट की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी के हमारे पास फिर कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे मुझे, ठीक है, वेलोसिटी का जो वी आउट होगा 45 जी थीटा, ठीक है, तो वी आउट कॉस 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे यू आउट की जगह मेरे पास आ जाएगा वी आउट कॉस 45, ठीक है। अच्छा, और इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, इन में आपके पास जो भी वेलोसिटी का इन कंपोनेंट था, ठीक है, यू इन, ठीक है, यू इन डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो मुझे इसके कॉम्प्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वी इन जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है, इसके कॉम्प्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन इसकी हॉरिजॉन्टल के अलाइंड है, ठीक है। और डायरेक्ट 100 आएगा, डायरेक्ट 100 आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, फिर लेटर वाले का बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास
मास फ्लो रेट मेरे पास गिवन नहीं है, ठीक है। मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिंपली क्या किया मैंने, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मुझे इनलेट गिवन थी 100 फीट पर सेकेंड, जेट का जो है मुझे एरिया गिवन है विच इज 1 इंच, ठीक है। तो ये 1 इंच का आपके पास डायमीटर है, ठीक है, तो हमने इसको 1/12 से डिवाइड किया ताकि ये फिट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/12 फिट स्क्वायर, ठीक है, पाई ओवर 4, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो पाई ओवर 4 डी स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास जो मास फ्लो रेट का होता है, डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ये मास फ्लो रेट देता है, ठीक है। तो इन और आउट का सेम है, ठीक है, अगर मैं इनका निकाल लूँ तो आउट का भी वही हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी इज 1.94, ये आपके पास वाटर की डेंसिटी है स्लग्स पर फिट क्यूब, ठीक है। एरिया आपके पास पाई ओवर 4 डी स्क्वायर है कि सर्कुलर जेट है कि हमें आप मुझे कैसे पता चला कि मैंने डी स्क्वायर लगाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल जेट है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल जेट है यानी कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल इसको इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे ये इन हो रहा है, ठीक है, 1.06 लक्स पर सेकेंड मास फ्लो रेट आ गया, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि वी आउट वी इन के बराबर है, मैंने वी कॉस 45 लिख दिया। अच्छा, साइन नेगेटिव क्यों आ रही है? नेगेटिव साइन इसलिए आ रही है जैसे कि आपको हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया था, ठीक है, रिजॉल्व करने के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो नेगेटिव डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि मास फ्लो रेट जब आपने कंसिडर कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ आपने वेलोसिटी को कंसिडर करना होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ठीक है। जब मास फ्लो रेट हमने ऑलरेडी आउट का पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, अब सिर्फ मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव बन रही थी, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन जो है ये फॉर्मूला का साइन है, ठीक है, ये डायरेक्शन का साइन नहीं है, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला का साइन। और फिर यू इन जो है वो पॉजिटिव ही था, ठीक है, तो यू इन को मैंने कोई डायरेक्शन चेंज साइन नहीं अप्लाई किया, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों में 100 आएगा क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। सोल्यूशन निकालेंगे 181 पाउंड्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने हमेशा क्वेश्चन में पॉजिटिव ही रख के स्टार्ट किया था क्वेश्चन, ठीक है, एफ ए एक्स पॉजिटिव थी लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन आया है तो इस वजह से ये पीछे की तरफ हमें फोर्स देनी होगी, ठीक है। और वो लॉजिकल भी है, अगर आप आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने जेट को सॉरी आपने वेन को किस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है, अगर फ्लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो वेन को होल्ड करने के लिए आपको उसके ऑपोजिटिव फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें कोई भी रखने में डिफिकल्टी नहीं अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, सेकेंड पार्ट था इसका रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होगी, उसमें फर्क क्या आएगा कि हमने जो वेलोसिटी कंसिडर करनी है इनलेट की और आउटलेट की, ठीक है, उसके अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करना होगा, ठीक है, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जो फ्लो इन हो रहा है और आउट हो रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को इसके रिस्पेक्ट से निकालना है वो देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें जो फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि वाटर, ठीक है, वाटर या जेट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल वॉल्यूम किस रिस्पेक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी, ठीक है, माइनस ऑफ जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, जो वेन मौजूद है यानी कि जो ब्लेड है, ठीक है, हम ब्लेड लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लेड की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर की जगह पे वाटर की है हमारे पास 100 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो वेन है, ठीक है, वो 10 फीट पर सेकेंड की रिस्पेक्ट से मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में इसका मतलब है कि ये जब हम वेक्टर देखेंगे वेलोसिटी के एक्स और वाई में, ठीक है, तो ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ब्लेड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 90 फीट पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और वो आप ये से फॉर्मूला से अगर नहीं भी निकालो तो ये विजुअली आपको नजर आ रहा है कि जो आपके पास फ्लो है वो 100 फीट पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ब्लेड भी इस डायरेक्शन में 10 से फीट से मूव कर रहा है, तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है वो 90 फीट पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है, यानी कि
जो आपके पास फ्लो है वो वेन को अप्रोच या ब्लेड को अप्रोच कर रहा है 90 फीट पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे मैंने आई होप सो शो की भी होगी यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 90 फीट पर सेकंड। अब मूविंग ब्लेड के लिए भी सेम ही अप्रोच है, ठीक है। बस एक बात ख्याल रख लेना कि जो मास फ्लो रेट है, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास फ्लो की जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है, ठीक है, फ्लो की जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वहाँ पे कम हो गई है, वो 100 फीट पर सेकंड नहीं रही है, ठीक है, वो अब 90 फीट पर सेकंड हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फ्लो एंटर हो रहा है विद इन द सिस्टम वो भी 90 फीट पर सेकंड की वजह से हो रहा है, तो इसलिए मास फ्लो रेट को भी हमने दोबारा कैलकुलेट किया, ठीक है, मास फ्लो रेट को सेम मास फ्लो रेट नहीं रखा है, ठीक। नाउ अब जो आपके पास यू आर था, ठीक है, यू की जगह पे मैंने आर का वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे रिलेटिव के लिए, ठीक है। तो यू कॉम्पोनेंट हमने रिलेटिव वेलोसिटी का यू कॉम्पोनेंट निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्शन सेम ही होगी, ठीक है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्शन जो आपके पास इस तरह से स्टेशनरी वैन के लिए थी, मूविंग वैन के लिए भी वही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू को आप रिजोल्व कर लेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है, तो ये माइनस कॉस 45 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 45 आ गया, तो ये माइनस डायरेक्शन यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है वो फॉर्मूला से ही आ रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनफ्लो, ठीक है, ऑफ द मास फ्लो रेट, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 90 दोनों जगह 90 आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहना था उसका, ठीक है, विद इन द वेन जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, नेट जो आपके पास रिजल्टिंग फोर्स है 146 आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपको ये आपको क्या शो कर रहा है, ठीक है, अगर एक ऐसा केस है जहाँ पे अच्छा अब ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली जब हमने स्टेशनरी वैन कंसिडर की थी, ठीक है, स्टेशनरी वैन कंसिडर की थी, इसका मतलब था कि जब ये आपके पास रोटर था, ठीक है, ये उसकी ओमेगा जीरो थी, ओमेगा जीरो से मतलब है कि ये जीरो बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। जब हमने जस्ट स्टार्ट किया तो हमें जो फोर्स मिली थी वो 181 पाउंड्स मिली थी, ठीक है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये वॉल्यूम सॉरी जो रोटर है, ठीक है, ये मूव करने लग गया, ठीक है, सर्टेन ओमेगा के साथ, ठीक है, कोई भी स्पीड हो सकती है, लेट सपोज मैं इसको राइट कर लेता हूँ ए रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। जब ये ए रेडियंस पर सेकेंड से मूव करेगा तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है, अपनी एक वेलोसिटी बन जाएगी जो राइट डायरेक्शन में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेट फोर्स मिल रही होगी, टॉर्क मिल रहा होगा, नेट टॉर्क मिल रहा होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस से आ रहा होगा, जो ब्लेड के अपनी ओरिजिनल स्पीड है और जो नोजल की स्पीड है, ठीक है। तो देन उस कंडीशन में जो टॉर्क है वो फिर 141 जो भी रिड्यूस हो गया फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे किए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली एक ऐसा केस है जहाँ पे जो ब्लेड है या टर्बाइन है वो जस्ट स्टार्ट हुई है 181 जहाँ पे आया था, और जो सेकेंड वाला केस है, ठीक है, उसमें 146.6 आई है, ठीक है, जब टर्बाइन अपनी एक कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो ब्लेड जो उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है वो भी एक स्पीड के साथ कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हैं, ठीक है। उस केस में जो आपके पास नेट जो फोर्स मिल रही होगी वो फिर 146 की मिल रही होगी, जो उस टर्बाइन के टॉर्क जनरेट कर रही होगी, ठीक है। ये पूछता हूँ कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि लेट सपोज हम एंकरिंग फोर्स निकालनी है इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, अभी तो सिर्फ हमसे हॉरिजॉन्टल पूछी थी ना, ठीक है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एंकरिंग फोर्स चाहिए हो, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर यू की जगह वी इस्तेमाल करेंगे हम, यू की जगह वी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, सिर्फ एक राइट कर लेते हैं बाकी खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं मूविंग वाले के लिए कर लेता हूँ, ठीक है, तो मूविंग वाले के लिए राइट करते हैं फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, आप एक्स लें वाई लें या जी लें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन अच्छा अगेन जब आप स्टार्ट करोगे इक्वेशन तो हमेशा उसी तरीके से करना जैसे मैंने किया था, ठीक है, कि प्रेशर को कॉम्पोनेंट जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर का वो कॉम्पोनेंट जो वाई डायरेक्शन में, कोई भी कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, वन जो वन सरफेस होगी उसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, तो पी वन तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन पी टू का कॉम्पोनेंट जरूर आएगा जो आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है, पी टू एरिया टू, ठीक है, और साइन थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली ये जीरो हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है अभी हम ओपन एटमोसफेयर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इन और आउट दोनों ओपन एटमोसफेयर में हो रहे हैं इसलिए जीरो हो रहा है, ठीक है।
सेकंड जो फोर्स आ रही थी आपके पास वेलोसिटी से, सॉरी एंकरिंग फोर्स होगी, फोर्स से, ठीक है, एंकरिंग फोर्स होगी, और एंकरिंग फोर्स के बाद एक थर्ड फोर्स हो सकती थी जो वेट की हो सकती थी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे वेट भी कोई गिवन नहीं है हमें, तो हमने वेट को भी कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे मैं राइट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा एम डॉट आउट, ठीक है। यू आर रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल वी आर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ये आपके पास हो जाएगा वी आर, वी स्मॉल है यानी कि वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट जो वर्टिकल में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा सेम हम लिख सकते हैं एम डॉट इन, ठीक है, वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट जो इन है, ठीक है, वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ अब जैसे कि हमने उसके लिए किया था एक्स डायरेक्शन, मुझे क्या करना होगा वाई डायरेक्शन के लिए। जब मैं डब्ल्यू को यहाँ पे सॉरी वी डब्ल्यू आउट को जो रिजॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो वेक्टर्स बनेंगे, एक ए और एक ए, ठीक है। तो जो डब्ल्यू आउट का जो कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, साइन 45 और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, मास फ्लो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो W साइन 45, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि हमारे पास ये इसको जब हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया था ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये जो वी आर इन हो जाएगा, ठीक है, वी आर इन जो है इसका कोई कॉम्पोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो फोर्स बनेगी वो डब्ल्यू साइन 45 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है कि आपके पास नेट जो इसकी फोर्स एक्चुअली जो नेट रिजल्टेंट फोर्स इसमें आ रही होगी आपके पास वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे हो कि जो जो आप ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो जो सिमेट्रिक प्रॉब्लम है जितना फ्लो हाफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, उतना फ्लो नीचे हाफ नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। ये एक्सिस के जितना ऊपर है उतना नीचे ही है, ठीक है। तो जितना ऊपर ये पॉजिटिव फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा उतना ही नीचे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक है। तो ये जीरो कैसे हुई सर, ये सर? अच्छा देखो ये अगर मैं इसको 3D में इस तरह से देखूं, ठीक है, तो जितना फ्लो यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है, उतना ही फ्लो नीचे से भी आउट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला वेक्टर लिया, ठीक है, तो ये वेक्टर भी तो है, ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली एक सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये नेट इनका जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि जेट सिमेट्रिक है ना, पूरे पूरे वॉल्यूम पे सेम फोर्स दे रहा है। जी सर। तो वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं आ रही होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बन रही होंगी, ठीक है।